नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के जेडएक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कतर के दोहा से। कतर के दोहा के अंदर दोस्तों दोहा फोरम रखा गया और इस फोरम के अंदर भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी पहुंचे। साथ में ही कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे और इसी के साथ ही नॉर्वे के विदेश मंत्री भी इस समिट के अंदर मौजूद थे। ये समिट दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट है क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर अशांति है और इसराइल का जो विवाद है सीरिया की तरफ भी एक चलने लगा है। यहाँ पर एक ऑफिशियल थी, ये एक बैठी है महिला। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट कितना है कि यहाँ पर ये ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर अपनी बातें जाहिर कर रही हैं और दोहा फोरम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ने किस तरीके से वर्ल्ड को प्रभावित किया है और कतर इसको लेकर क्या स्टैंड रखता है, भारत की पोजीशन क्या है और वर्ल्ड के लीडर्स इस दोहा फोरम से क्या सीख सकते हैं, ये बातें एक जानने को मिली आपके सामने। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी का ट्वीट चल रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर जी का। उन्होंने कहा है कि वो बहुत प्लीज हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दोहा फोरम पैनल के अंदर और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो टॉपिक है वो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन, जो नए एरा आ रहा है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में चर्चा की गई। साथ में कतर के पीएम से भी बातें की गई और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत की गई और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एज द कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड अस इंक्रीज, उन्होंने कहा कि जैसे हमें दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और आज के समय की ज़रूरत ये है कि हमें डिप्लोमेसी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। तो यानी कि भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी का जो स्वैग है दोहा फोरम के अंदर भी दिखा है और उन्होंने साफ स्पष्ट लैंग्वेज के अंदर बातें बोल दी है कि हिंसा के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है और इसीलिए डिप्लोमेसी की बात कीजिए और डिप्लोमेसी के चलते ही सॉल्यूशन होगा। और आफ्टर ऑल दोहा फोरम कतर के अंदर करवाया जा रहा है, यहाँ पर कोई बंदूकें लेकर थोड़ी खड़ा है, यहाँ पर भी दोस्तों बातचीत के चलते ही बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर चर्चा की जा रही है। क्या चर्चा हुई, कतर के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि सीरिया तक ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, आप इसके ऊपर क्या बोलोगे? तो कतर के प्रधानमंत्री बोले कि हम इसके ऊपर यही बात करेंगे कि ये जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन बनी इसराइल गाज़ा की चीज़ हुई, तो वर्ल्ड के अंदर जो एक प्रॉपर मुस्लिम कम्युनिटी है उन्हें डर लगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर लेबनान के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और अब सीरिया के अंदर भी चल रहा है, तो ये एक माइंडसेट चल रहा है मुस्लिमों के अंदर और इस कारण से इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है तो आप इसके ऊपर क्या कहोगे, तो उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स की बातों को एक जोड़कर बातें गोल मेल कर दी। लेकिन भारत के विदेश मंत्री से पूछा गया कि आप इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या कहेंगे, तो भारत के विदेश मंत्री ने 130 करोड़ नहीं 140 करोड़ भारतीयों की बात रखते हुए कहा कि ये दर्द जो है हमारे सीने पर भी है क्योंकि जहां पर भी वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका असर हर कंट्री के ऊपर देखने को मिलता है और अलग अलग चीज़ों के रेट भी बढ़ जाते हैं और जो ह्यूमन कैजुअल्टीज होती है और ह्यूमैनिटी को लेकर भारत एक नंबर वन देश के रूप में उभर कर आया था जब भारत ने कोविड के समय में वैक्सीन भी प्रोवाइड की थी और अलग अलग देशों को जरूरी खाद्य सामग्री भी पहुंचाई थी। तो यही कारण है कि भारत की पोजीशन यही रही है कि डिप्लोमेसी के टेबल पर आइए, शांति की बात कीजिए और मल्टी कल्चर के चलते चीज़ों को एक्सेप्ट करना एक देखिए, और यही कारण है कि उन्होंने डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में सारी बातें डिफाइन करके रख दी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोहा फोरम की इंपॉर्टेंट बातें हमने आपके सामने रख दी हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर कल और किसी वीडियो के साथ।